राज्यों में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग की है, मंथन किया है आने वाले चुनाव को लेकर। दिखाते रिपोर्ट। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस फिर से एक्टिव मोड में आ गई है। हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में मिली करारी हार के बाद से कांग्रेस की नजर अब आने वाले लोकसभा चुनाव पर है। शनिवार को दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अगुवाई में गुजरात कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें गुजरात की सभी 26 सीटों पर मजबूत प्रत्याशियों को लड़ाने पर चर्चा हुई। 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बीजेपी को क्लीन स्वीप से हर हाल में रोकना चाहती है, ताकि गुजरात में बीजेपी को एकदम से वॉकओवर नहीं मिले। गुजरात को लूटा जा रहा है, एक जिम्मेवार ऑपोजिशन के नाते हम लोगों के साथ खड़े रह के वहाँ काम करेंगे। इधर कांग्रेस के पूर्व नेता रहे प्रशांत किशोर का कहना है कि देश में अगर बीजेपी को हराना है तो उनके चार मजबूत किलों में से तीन को तोड़ना पड़ेगा, तभी बीजेपी को हरा सकते हैं। विचारधारा जिसको हिंदुत्ववाद कहते हैं, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, तीसरा लाभार्थी और चौथा उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल और फाइनेंशियल ताकत है, कि अगर आपको भाजपा को हराना है तो टीम को आपको तोड़ना पड़ेगा। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी पिछले दो चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पा रही है। यूपी के वाराणसी में होने वाली बिहार के सीएम नीतीश कुमार की रैली रद्द होने के बाद बिहार में सियासी पारा हाई है। अब जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नीतीश कुमार की रैली रद्द होने के बाद से ही बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल वाराणसी के रोहनिया में 24 दिसंबर को एक कॉलेज में नीतीश की रैली होनी थी, प्रशासन ने इजाजत नहीं दी, लिहाजा रैली को रद्द करना पड़ा। जब उनको कहा कि बुलडोजर चल जाएगा कॉलेज पर, उनको कहा मान्यताएं रद्द हो जाएगी, तो बेचारे भयभीत हैं, डर से कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इधर बीजेपी ने जेडीयू पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि जब नीतीश की बिहार में कोई नहीं सुनता तो यूपी में कैसे सुनेगा। यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है तुमको, बनारस में कौन सुनेगा? जिनका आज कोई सुध बुध नहीं है उनको कौन सुनेगा? लिखित आवेदन उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं दिया ही नहीं। ये लोग सिर्फ बहाना बना रहे हैं और बहाना बनाकर जनता के बीच से भागना चाहते हैं। फिलहाल रैली को लेकर जेडीयू का कहना है कि बेशक अभी रैली को रद्द करना पड़ा, लेकिन आगे ये रैली जरूर। बिहार में शराबबंदी है ये आप जानते हैं, लेकिन शराबबंदी वाले बिहार में आए दिन शराब पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। नया मामला दरभंगा से सामने आया है, जहां पर डॉक्टर्स की एक टीम शराब पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज के गेस्ट हाउस की। बताया जा रहा है कि पेडिकॉन कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए देश के जाने माने डॉक्टर्स डीएमसीएच के गेस्ट हाउस पहुंचे, लेकिन शनिवार की रात सम्मेलन के बीच में कुछ डॉक्टर मिलकर गेस्ट हाउस के कमरे में शराब पार्टी करने लग जाते हैं। जैसे गेस्ट हाउस कर्मचारी को भनक लगी, उसने वीडियो बनाना शुरू किया। कैमरा देखते ही शराबी डॉक्टर को भाग खड़े हुए, लेकिन शराब की बोतलें गेस्ट हाउस के कमरे में रह गई। जो कार्रवाई होनी चाहिए यथोचित कार्रवाई पुलिस करेगी। मामला संज्ञान में लिया गया है, वीडियो की जांच की जाएगी, जो चेहरे स्पष्ट होंगे, पूछताछ में जो नाम सामने आएंगे उन सब पर कानूनी कार्रवाई होगी। शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और पार्टी वाले जगह से शराब की बोतलें जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिहार में शराबबंदी की पोल खोलने वाली तस्वीरें सामने आने के बाद विपक्ष नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद और शिवराज सिंह की छुट्टी होने के बाद, नए मुख्यमंत्री के आने के बाद बहुत सारे कयासों का जन्म हुआ है, कयासों का बाजार गर्म है। अब उन तमाम सवालों को लेकर नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जवाब दिया। मध्य प्रदेश की कमान संभालने के बाद सीएम मोहन यादव अपने गृह जिला उज्जैन दौरे पर हैं। बीजेपी को प्रचंड जीत तक पहुंचाने वाली मामा की लाडली बहना योजना के बंद होने के सवाल पर पूर्व सीएम शिवराज ने स्पष्ट किया था कि योजना बंद नहीं होगी। अब सीएम मोहन यादव ने भी इसे हरी झंडी दे दी है। जो लाडली बहना योजना है उसको लेकर क्या नारी सशक्तिकरण की जितनी योजना, सभी योजनाओं को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से नए कीर्तिमान बनाएंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुकी है। मोहन यादव ने उज्जैन में विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ को रवाना किया। पूरे मध्य प्रदेश में 386 रथ बनाए गए। इन रथ के माध्यम से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है सरकार की,
उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एमपी बीजेपी अब नए नेतृत्व के साथ 24 के चुनाव में नजर आने वाली है। इसकी झलक उज्जैन की सड़कों पर दिखना शुरू हो गया है। पूरे उज्जैन में लगभग 300 से ज्यादा मंच बने हैं और होर्डिंग्स और पोस्टर लगे हैं, उन पर शिवराज सिंह चौहान उनके सभी जगह से चेहरे गायब है। अयोध्या में रामलला के विराजमान किए जाने से पहले शहर को सजाने संवारने का काम जोरों पर चल रहा है। वहां पर राम भक्त जो पहुंचेंगे उनके ठहरने के लिए टेंट सिटी के निर्माण कार्य भी जोरों पर वहां पर चल रही है। दिखाते रिपोर्ट। बाईस जनवरी को दुनिया एक नए अयोध्या को देख सकेगी। इसके लिए अयोध्या में तेजी से चौतरफा विकास कार्य किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन, शानदार बस अड्डा, होटल बूत और सरयू की लहरों पर वाटर मेट्रो की सवारी। सजा दो घर को गुलशन सावध में राम आए हैं। जी हां, अयोध्या की फिजाओं में कुछ इसी तरह का संगीत आपको गूंजता हुआ महसूस होगा और इसी तर्ज पे अयोध्या आपको सजती और सवरती हुई नजर आएगी। अयोध्या पहुंचने से पहले राम भक्तों के लिए श्री राम की नगरी में ठहरने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं अयोध्या टेंट सिटी, जो कि रामलला के जन्मभूमि से महज 200 मीटर की दूरी पे है और राम भक्तों के लिए खासकर इसे सजाया और संवारा गया है। अयोध्या में सरयू किनारे फूस से बने 5-स्टार सुविधाओं से लैस टेंट सिटी आकार लेने लगी है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान होने वाले हैं और ये दिन देशवासियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। सैकड़ों राम भक्तों की टोलियों ने अयोध्या पहुंचकर भगवान श्री राम को इत्र समर्पित किया है। आज जनवरी से पहले अयोध्या भव्य दिखने लगी है। अयोध्या को दिव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर है। योगी और मोदी सरकार की योजनाओं के साथ साथ उन तमाम राम भक्तों का संकल्प है जो 22 जनवरी की तारीख को ऐतिहासिक बनाने में जुटे। हाथरस से पैदल चलकर शनिवार को सैकड़ों राम भक्त अयोध्या पहुंचे और राम जन्मभूमि को महकाने के लिए जैविक इत्र अर्पण किया। इत्र और रूह हमारे यहाँ बनता है, जैविक रूप से तैयार किया गया। पिछले 6 महीने श्री राम जी को समर्पित करने जा रहे हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को अलौकिक बनाने के लिए देश विदेश से राम भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में भेंट अर्पित कर रहे हैं। रामलला के चरणों में भिन्न भिन्न प्रकार से लोग अपना समर्पण कर रहे हैं। आदरणीय चंपत राय जी, उन्होंने इसको स्वीकार किया है और वह रामलला के दरबार में इसको पहुँचाएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में दिवाली मनाई जाएगी, जिसको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। अनिल जी, आपको भी उतना ही इंतजार होगा उस तारीख का जिसका पूरी अयोध्या और पूरा देश का, पूरे विश्व के राम भक्त 22 तारीख के सुखद पल का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु राम। यूपी के गाजियाबाद की एक पॉश सोसाइटी से धर्म परिवर्तन करवाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि अपडेट यह है कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हंगामे का वीडियो गाजियाबाद की पॉश सोसाइटी का। लोगों ये क्या बता रहा है? आरोप है कि हाईराइज सोसाइटी सिद्धार्थ में एक ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर बच्चों पर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाता है। दरअसल सोसाइटी में रहने वाली कुछ महिलाओं ने शिकायत की है कि आरोपी टीचर बच्चों को चॉकलेट के बहाने धर्म परिवर्तन कराने को कहता था और धर्म विशेष के खिलाफ उकसाता था। बच्चों ने बात अपने पेरेंट्स को बताई, जिसके बाद परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी को घेर लिया। इधर विजयनगर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। हालांकि आरोपी हर बार अपने को बेकसूर बताता रहा। पुलिस ने सूचना का संज्ञान लेते हुए तुरंत ही सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की। इसमें जो दो अभियुक्त है उनको हिरासत में ले लिया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन कराने का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी धर्म परिवर्तन कराने वाले कई गिरोह का पुलिस पर्दाफाश कर चुकी है। देखिए, कोविड के कहर को आप नहीं भूले होंगे। दूसरी लहर में किस तरीके से इस बीमारी ने तबाही मचाई थी, वो तस्वीरें आपको याद होंगी। अब दक्षिण भारत के केरल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे स्वास्थ्य महकमे की नींद उड़ गई है। फिर लौट रहा है कोरोना, केरल से आई डरावनी खबर। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। कोविड के नए वेरियंट ने भारत में दस्तक देते ही दहशत फैला दी। कोविड 19 के सब वेरिएंट JN.1 का पहला मामला केरल में सामने आया। कोरोना के सब वेरिएंट का शिकार 80 साल की एक बुजुर्ग महिला हुई। 18 नवंबर को महिला की RT-PCR जांच की गई, जिसमें वो संक्रमित पाई गई। हालांकि हल्के लक्षणों के बाद से फिलहाल वो ठीक है। हालांकि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि कोविड 19 के हालिया मामलों में 90% से ज्यादा मामले गंभीर नहीं है।
ज़्यादा लोगों के अंदर ये फैलेगा, बट डजेंट मीन कि ज़्यादा सिवियर होगा। ज़्यादातर लोगों को इसके अंदर जो अब तक रिपोर्टेड है माइल्ड सिम्टम्स हैं, खांसी, जुखाम, सर दर्द होना, बुखार, गला ख़राब, यही सिम्टम्स हैं ज़्यादातर लोगों के अंदर, और माइल्ड हैं, 4-5 दिन में ठीक हो रहे हैं। बेशक कोविड का केस दक्षिण भारत में केरल से आया है, लेकिन दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग के कान खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार ने सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। इधर बेंगलुरु और चेन्नई में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में मॉकड्रिल कराने के आदेश दिए हैं। देखिए, पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है और पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही मैदानी इलाकों में ठंड की शुरुआत हो गई है और पूरे उत्तर भारत समेत अलग अलग हिस्सों में ठंड लगातार बढ़ रही है और हाड़ कपा देने वाली सर्दी से लोग परेशान हैं। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके में मौसम ने करवट ली और बारिश बर्फबारी ने घाटी को जमाना शुरू कर दिया। राजौरी पुंछ कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड पर हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। भीषण बर्फबारी के चलते मुगल रोड पर आवाजाही बंद कर दी। पुंछ के लोरन वैली में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी की दस्तक से स्थानीय लोगों में खुशी है। वहीं घाटी में आज से शीतकालीन छुट्टियों के चलते स्कूल बंद कर दिए गए। बच्चों को वेकेशन डिक्लेयर हो गई हैं, बच्चों को होम टास्क असाइन कर दिया गया है। बच्चों को यह हिदायत दे दी गई है कि घरों के अंदर रहें, गर्म लिबास पहने। बर्फबारी का नज़ारा गुलमर्ग में देखने को मिल रहा है। यहाँ हल्की बारिश के साथ बर्फबारी ने दस्तक दे दी है। घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो वहीं -12 को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। फोरकास्ट है जो हमारा बलाई एरिया है डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, उसमें लाइट स्नोफॉल हो सकता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी मिशनरी और ऑपरेटर्स को तैनात किया है। कश्मीर घाटी में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। आने वाले दिनों में पहाड़ों पर पारा डाउन होने के संकेत। चलिए सीधे बड़ी खबर आपको बताएंगे। संसद सुरक्षा चूक मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। एक अखबार के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस पर चिंता जाहिर की है। संसद कांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये घटना चिंताजनक है, वाद विवाद की जगह गहराई में जाना जरूरी, स्पीकर पूरी गंभीरता से कदम उठा रहे हैं। एक अखबार को प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू दिया और उसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जो बातें कही वो हम आपको बता रहे हैं। विकास भदौरिया मेरे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। विकास, क्योंकि लगातार विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा है, जवाब मांगा जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन बातों से कम विपक्ष को जवाब भी मिल रहा होगा और उन्होंने ये भी बताया कि जांच हो रही है, इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है। देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू है वो घटना से भी कहीं ज्यादा आगे तक की पूरी एक लकीर खींचता है जो लोकसभा चुनाव तक जाती है। हालांकि जो हालिया विषय है वो संसद में घटी घटना है जिसको लेकर उन्होंने चिंताजनक बताया है और कहा है कि इस मामले में जांच चल रही है, जांच हो जाने दीजिए और इस मामले पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो स्मोक कैंडल की घटना हुई थी संसद भवन में, उसको लेकर जो विपक्ष की भूमिका थी और फिर विपक्ष की तरफ से जिस तरह से कार्रवाई की गई उसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस घटना को चिंताजनक बताया और इसमें गहराई से जाना जरूरी ताकि जो असली इसमें कल्प्रिट है उनकी उनके बारे में जानकारी ली जा सके, कौन से देश विरोधी तत्व कहीं शामिल तो नहीं है, कहीं किसी आतंकी घटना का रिहर्सल तो नहीं है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उस पर भी इस इंटरव्यू में कहा है और बताया है कि ब्रह्मांड की कोई भी ताकत अब 370 की वापसी नहीं करा सकती, लिहाजा सकारात्मक काम में विपक्ष को लगना चाहिए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद इस बातचीत में प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि विपक्ष की सकारात्मक राजनीति करना चाहिए। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर 2 दिनों से सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है, वो उसको रोकने के बजाय इस पर जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे हैं उस पर सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ लहजे में कहा कि इस पर गहराई से जांच होनी चाहिए, जांच हो भी रही है, हंगामा करने से कुछ नहीं होगा, जो बाहरी बातें हैं वो सिर्फ करने से कुछ नहीं होगा, संसद की घंटा चिंताजनक है, सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको लेकर गहराई में जाना जरूरी है, वाद विवाद से कोई बात नहीं बनने वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेट ऑफिस हब सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन करने वाले हैं। ये डायमंड बोर्स दुनिया की सबसे बड़ी इंटरकनेक्टेड इमारत है। इसकी खासियत ऐसी है जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
गुजरात के सूरत के लिए आज की तारीख कई मायनों में ऐतिहासिक होगी, क्योंकि सूरत में प्रधानमंत्री मोदी उस डायमंड बोर्स की इमारत का उद्घाटन करेंगे जिसने पेंटागन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री सूरत हवाई अड्डे के नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन की सौगात देंगे। इसके बाद सूरत आने वालों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। ये टर्मिनल भवन व्यस्त घंटों के दौरान 1200 घरेलू यात्रियों और 600 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है। इस टर्मिनल में पीक आवर क्षमता को 3000 यात्रियों तक बढ़ाने की सुविधा है, साथ ही सालाना हैंडलिंग क्षमता 55 लाख यात्रियों तक बढ़ा सकते हैं। टर्मिनल भवन एक तरह से सूरत शहर का प्रवेश द्वार है, इसके लिए स्थानीय संस्कृति और विरासत के साथ डिजाइन किया गया है। नया टर्मिनल भवन डबल इंसुलेटेड रूफिंग सिस्टम, ऊर्जा बचत के लिए कैनोपी, गर्मी को कम करने के लिए डबल ग्लेजिंग यूनिट जैसी सुविधाओं से लैस है। महत्वपूर्ण शहर है बिजनेस की दृष्टि से भी, और ये भारत का 9वां सबसे बड़ा शहर है, तो यहाँ पे पैसेंजर ग्रोथ की वजह से कुछ सुविधाएं यहाँ पे बढ़ानी बहुत ज़रूरी थी। गुजरात के थीम पे हमारा आर्ट वर्क लगाया गया है यहाँ पे। यहाँ का जो कैनेपी वर्क हुआ है वो सूरत के कल्चर को ही दिखाता है। यहाँ का एक रांदेड़ हवेली है, उसी के बेस थीम पे बनाया गया है। आर्ट वर्क जो हमारे टर्मिनल बिल्डिंग में किए गए हैं वो भी गुजरात के कल्चर को दिखाता है, यहाँ के टेक्सटाइल कल्चर को, मैराइन बिजनेस को, काइट फेस्टिवल्स को, इन सब का ध्यान रखा गया है। दरअसल गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है, क्योंकि सूरत को डायमंड सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि सूरत में दुनिया के 90% हीरे इस तरह से जाते हैं। ऐसे में सूरत डायमंड एक्सचेंज अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण कारोबार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र होगा। यहाँ कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार का एक वैश्विक केंद्र स्थापित होगा। इसके लिए सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार है, जिसका नाम डायमंड बोर्स रखा गया है। सूरत के खजोत गांव में एसटीबी भवन दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र होगा। एमडीबी भवन 67 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे 35.54 एकड़ में बनाया गया। इसमें लगभग 4500 हीरा फर्मों के ऑफिस हैं। इमारत में 300 वर्ग फुट से लेकर 1 लाख वर्ग फुट तक ऑफिस का स्पेस मौजूद है। एचडीबी भारत का दूसरा हीरा व्यापार केंद्र होगा, जिसमें ऑफिस के अलावा डायमंड टेस्टिंग लैब्स, ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन, बैंक सुरक्षा, वर्ल्ड कस्टम जोन और रेस्टोरेंट की सुविधा मौजूद है। हालांकि सूरत डायमंड बोर्स को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में हीरा व्यापार हुआ करता था, लेकिन गुजरात जाने के बाद स्थानीय लोग बेरोजगार हो जाएंगे। त्यासाठी स्वतंत्र राज्य सरकारला विश्वासात घेऊन वैचार करावी लागेल आणि स्थानिक लोकांच्या जमिनी वाचतील कशा। तीन राज्यों में सरकार बनाने के बाद पीएम मोदी की गुजरात की पहली सौगात है। अगले साल चुनाव होने, ऐसे में प्रधानमंत्री अभी से कोई कसर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए कितना जरूरी है। हालांकि उनके योगदान पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। और इस रिपोर्ट के बाद नमस्ते भारत में चलिए दिखा देते हैं 2 मिनट में देश की खबरें। आज वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमिल संगम ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। काशी को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात, 19,150 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी से मिले ओमान के सुल्तान, 10 प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर हुई चर्चा। ओमान के सुल्तान ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से मुलाकात की, राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा जब सभी उम्मीदें खत्म तो मोदी की गारंटी शुरू। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी तलब, सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने किया 6 जनवरी को तलब। संसद सुरक्षा चूक मामले में 7 दिन की पुलिस रिमांड पर ललित झा और महेश कुमावत, पुलिस के मुताबिक 2 साल से चल रही थी साजिश।
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नई स्पोर्ट्स पॉलिसी का ऐलान किया, कहा मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी। पंजाब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का दावा, पंजाब की जेलों में बेची जा रही है ड्रग की गोलियां। जयपुर में चलती बस में युवती के साथ रेप की वारदात, ड्राइवर पर लगा है दरिंदगी का आरोप। श्रीनगर में आईटीबीपी कैंप में आग लगने से मची अफरा तफरी, हादसे की जांच शुरू। तमिलनाडु के तेनकासी में क्रिसमस समारोह का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। पूरे उत्तर भारत समेत दिल्ली पर शीतलहर का प्रचंड प्रहार, रैन बसेरों में लोगों की उमड़ी भीड़। कोविड के नए वेरिएंट की भारत में दस्तक, केरल में बुजुर्ग महिला में मिली कोरोना के सब वेरिएंट से संक्रमण। आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच पहला वनडे, दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। का अंदेशा था आखिरकार वही हो गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ की प्रदेश अध्यक्ष के पद से छुट्टी कर दी गई। नए पीसीसी चीफ के रूप में जीतू पटवारी को पदभार सौंप दिया गया। प्रदेश की कमान मिलने के बाद इंदौर में पटवारी की आवाज पर जमकर आतिशबाजी की गई और जश्न मनाया गया। तो मैं आदरणीय खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे एक नॉर्मल कार्यकर्ता पर उन्होंने इतना भरोसा किया, साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जीतू पटवारी इंदौर में जब अपने आवास पर पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मीडिया के सामने आए, तब उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए अपनी बात शुरुआत की, लेकिन पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ का जिक्र करना जरूरी नहीं समझा। गुटबाजी का अंत हो गया है कांग्रेस के इतिहास में। किसी प्रकार की कोई गुटबाजी, सामूहिक नेतृत्व जब हम बात करते हैं तो गुटबाजी, तेरा मेरा मैं काश का भाव ही कांग्रेस पार्टी में समाप्त हो जाता है। अब कमलनाथ की विदाई के पीछे की स्क्रिप्ट भी जान लीजिए। हाल ही में मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव कमलनाथ की अगुवाई में लड़ा गया, लेकिन कांग्रेस उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। हालांकि कमलनाथ हर बार अति आत्मविश्वास से कहते थे कि मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हुए और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। हम सब जीत के लिए तैयार हैं, हम सब एकजुट हैं। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने 163 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया, जबकि कांग्रेस 66 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। हालांकि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 114 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि बीजेपी 109 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि बाजी पलट गई। कमलनाथ ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ तो ली, लेकिन सिंधिया की बगावत के कारण 15 महीने बाद ही उनकी सरकार गिर गई। बहरहाल लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का दबाव अब जीतू पटवारी पर भी है। बेशक उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान मिली है, लेकिन हाल ही में विधानसभा चुनाव में उन्होंने भी हार का सामना करना पड़ा। जीतू पटवारी इंदौर की राव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी के मधु वर्मा को जहां 151,672 वोट मिले, वहीं जीतू पटवारी को 116,150 वोट ही मिल पाए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले में काफी मजबूत है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की जीत दिलाने के लिए कैंपेन कर रहे हैं। अगर साल 2018 के लोकसभा चुनाव की बात करें, राज्य में लोकसभा की 29 सीटों में से बीजेपी अकेले ही 28 सीटों पर काबिज है। कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट है, वो भी छिंदवाड़ा, जो कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। यहाँ से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। जीतू पटवारी राहुल गांधी के करीबी हैं, लेकिन प्रदर्शन का दावा विधानसभा चुनाव से ज्यादा होगा। ऐसे में जीतू पटवारी का ये ताज कांटों भरा होने वाला है, जिसकी असली तारीख लोकसभा चुनाव में होगी।
देखिए सोशल मीडिया पर पिछले एक दो दिन से प्रिया सिंह नाम की इन्फ्लुएंसर चर्चा में है। वजह है बॉयफ्रेंड अश्वजीत गायकवाड़, जिस पर प्रिया ने कार से कुचलकर मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। लेकिन मामले में ट्विस्ट तब आ गया जब प्रिया सिंह ने पुलिस पर भी आरोप लगा दिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरोपी रसूखदार है और इसीलिए पुलिस उस पर कार्रवाई करने से बचती हुई दिखाई दे रही है। जो भी करना है मेरे को लगी है 6 दिन हो गया, 307 कहाँ है। मैं एक ही चीज बोल रही हूँ, बट अभी तक 307 नहीं लगा है। ये आरोप है उस लड़की प्रिया सिंह का जो अपने प्रेमी की क्रूरता के बाद अस्पताल के बेड पर है, जो आरोप लगा रही है कि पुलिस किस तरह से उसका बयान बदलवाने की कोशिश कर रही है। यकीन नहीं आ रहा तो एक बार फिर सुनिए प्रिया सिंह के आरोप। लगी है 6 दिन हो गया, 307 कहाँ है। मैं एक ही चीज बोल रही हूँ उसको, बट अभी तक 307 नहीं लगाया है। को लगता है कि स्टेटमेंट बदला गया और ये फैमिली जो बहुत रसूखदार है, हाँ बड़े परिवार से, इसलिए जो है ऐसा जो डिले किया रहा। हाँ जी सर, अगर नॉर्मल होती तो नहीं होता, फिर ऐसा नहीं होता। ये सिनेरियो जो दिख रहा है ऐसा नहीं होता, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। कट टू कट एक्शंस में केस क्लियर हो गया होता। थाने में एक IAS अधिकारी के बिगड़ैल बेटे अश्वजीत गायकवाड़ ने अपने दोस्तों के साथ प्रिया सिंह के साथ ऐसी हैवानियत की जिसको याद कर प्रिया खौफ में खा जाती है। अश्वजीत गायकवाड़ महाराष्ट्र स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के MD का बेटा जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अस्पताल में भर्ती प्रिया सिंह ने दावा किया कि अश्वजीत गायकवाड़ रसूखदार परिवार से है और ऐसे में पुलिस उस पर बयान बदलवाने का दबाव डाल रही है। प्रिया सिंह के इन आरोपों के बाद पुलिस बैकफुट पर आ गई। उसने दावा किया कि आरोपियों अश्वजीत गायकवाड़, रोविल पाटिल और सागर के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जो विक्टिम है, पीड़ित है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, डिटेल स्टेटमेंट दिया है, उसके आधार पर ही कासारोडी पुलिस स्टेशन ने गुना दाखिल किया है। ये इन्वेस्टिगेशन में आगे और कुछ कहना चाहते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम आगे का इन्वेस्टिगेशन उसमें करेंगे। अभी 3 लोगों के अगेंस्ट गुना दाखिल किया है, उसमें हम लीगल प्रोसीजर कर रहे हैं। वहीं शिंदे सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने भी दावा किया कि आरोपी किसी का बेटा भी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सर का हो या किसी बड़े नेता का हो, कानून के सामने तो उसको तो चाबुक से, निश्चित रूप से जो हमारे संविधान की ताकत है वो उस कानून की चाबुक का मार उसे सहना ही पड़ेगा। वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसने अगर ये पाप किया है तो पाप की सजा उसे जरूर मिलेगी। आरोपी BJP का नेता भी बताया जा रहा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप कर दिए हैं। डर नहीं है क्योंकि इन्हें पता है हम भाजपा से संबंधित है, हम भाजपा के नेता है, हमारे पिताजी बड़े अधिकारी है और हमारा कानून कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ये इस बात से भी प्रतीत होता है कि गुनाह दाखिल होने के बावजूद अरेस्ट क्यों नहीं होती। क्या यही आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है? यही आपकी महिला सुरक्षा वाली बात है? देवेंद्र फडणवीस जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इसको कब अरेस्ट होने वाली है और उस महिला को न्याय कब मिलने वाला है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं पूछना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी से, आप ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देते हैं जो महिला विरोधी हैं, जो महिलाओं के खिलाफ करते हैं। एक उत्तर प्रदेश में 25 साल की सजा मिली है, एक 15 साल की पीड़िता के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की महिला बचाओ महिला बढ़ाओ जो कार्यक्रम चल रहा है क्या कहता है? क्या महिला विरोधी हैं और महिलाओं के खिलाफ ही काम करते हुए पाए गए हैं? प्रिया सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उन पर नजर डालना बहुत जरूरी है क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है। आरोप है कि अश्वजीत गायकवाड़ ने गर्लफ्रेंड से मारपीट की, यही नहीं उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्रिया सिंह को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। दोनों का पिछले 4 साल से रिश्ता था। आरोप है कि आरोपी अश्वजीत पहले से शादीशुदा था। अश्वजीत के दोस्तों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। थाने शहर का ये वही स्थान है, यही वो होटल का इलाका है, वही होटल है जहाँ पर देर रात जो है प्रिया के साथ उसके प्रेमी अश्वजीत गायकवाड़ ने मारपीट की थी और ये घटना हुई थी। प्रिया के मुताबिक यहीं पर उसके प्रेमी अश्वजीत गायकवाड़ से जो है यहाँ पर उसकी मुलाकात हुई थी जब वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे थे और बहस हुई और उसके बाद जो है उसके साथ मारपीट हुई और उसे गाड़ी में बिठा करके जो है कुचलने की कोशिश की गई। दरअसल पीड़ित प्रिया सिंह ने अपने ऊपर हुए अत्याचार की कहानी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी जिसकी वजह से पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा। लेकिन अब जिस तरह से प्रिया ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं उसके बाद मामला फिर सुर्खियों में आ गया है।
और चलिए एक और बड़ी खबर आपको दे दें। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विष्णु के अवतार हैं। हिंदुस्तानी परंपरा में राजा विष्णु का अवतार होता है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री यजमान नहीं बल्कि श्रद्धालु के रूप में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 6000 लोगों को बुलाया गया है। मंदिर में तमाम काम पूर्णता पर है। गर्भगृह और फर्श लगभग तैयार कर लिया गया है। हमारे साथ राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय जी हैं। सर, अब वो तारीख बहुत करीब आ रही है, कैसी है तैयारियां? बहुत अच्छी तैयारियां हैं सर। हमने सुना कि मंदिर में एक सोने की गेट और खिड़कियां लगाई जाएंगी, इसके बारे में? सुनते रहो, जब देख लो तब सही मानना। सर उस दिन तैयारी हो रही है, बस उस दिन कैसी है तैयारी सर? भाई बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है। प्रतिमाएं बन गई हैं, गर्भगृह तैयार हो गया है, फर्श का फ्लोरिंग चल रहा है, काफ़ी मात्रा में पूरा हो जाएगा, और क्या चाहिए। कौन कौन से अतिथि आएंगे सर? नहीं, वो तो 6000 लोगों के नाम मैं क्या बताऊँगा। यजमान के रूप में तो प्रधानमंत्री? यजमान अलग? नहीं, यजमान प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री यजमान को तो 8 दिन बैठना पड़ेगा। यजमान 8 दिन तक बैठेगा, वो यजमान नहीं है वो। तो प्रधानमंत्री एक श्रद्धालु के तौर पे मौजूद रहेंगे? प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। हिंदुस्तान में भारतीय परंपरा में राजा विष्णु का अवतार है। वो देश में लोकतंत्र के सर्वमान्य व्यक्ति हैं। वो दुनिया में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट ए मैन, उससे वो ऊपर हैं कुछ। धन्यवाद सर। तो ये थे, आप कह सकते हैं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के हीरो। इन्हें लोग कलयुग का हनुमान भी कह रहे हैं कि इन्होंने जो सारे तमाम एफर्ट्स किए, उस एफर्ट्स के बाद अब राम जन्मभूमि में रामलला प्रतिष्ठित होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। टाट से ठाट और ठाट से महल में आने का वक्त बहुत ही करीब हो चुका है। और जैसा कि अभी चंपत राय जी ने कहा कि यजमान के रूप में नहीं बल्कि एक श्रद्धालु के रूप में वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। कैमरा मैन राजेंद्र सिंह के साथ श्रीनिवास, ABP News, अयोध्या।